नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरोक्स चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर पार्ट 34। दोस्तों पार्ट वन से लेकर 33 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 34। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, 15वीं G20 सम्मेलन 2020 की थीम क्या थी। दोस्तों IBPS RRBPO जो कि दोस्तों फरवरी महीने में हुआ था उसमें एक करंट अफेयर पूछी गई थी। तो दोस्तों इसकी थीम क्या रही थी, इसकी जो थीम थी दोस्तों, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। इंग्लिश में बात करूं तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21वीं सेंचुरी फॉर ऑल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थीम पूछी गई थी। G20 समिट की बात करूं 2020 में कहाँ हुई, तो दोस्तों सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में ये सम्मेलन हुआ, और दोस्तों वर्चुअली हुआ था, यानी कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हुआ था। अगर दोस्तों अगले साल की बात करूँ 21 में दोस्तों इटली में होगा, 22 में दोस्तों कहाँ होगा, इंडोनेशिया में। पहले इंडिया कर रहा था लेकिन इंडिया ने कहा हम 2023 में करेंगे, तो इस बार 2022 की जो करेगा वो इंडोनेशिया करेगा। 2023 में G20 सम्मेलन कौन करेगा अध्यक्षता, इंडिया करेगा, और 2024 में करेगा ब्राज़ील देश। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जीरोक्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों RRB NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, साथ के साथ आपके लिए मैं लेके आया हूँ RRB NTPC टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों करीब 162 टोटल टेस्ट हैं, और इसके साथ आपको 18 फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। साथ के साथ दोस्तों RRB ग्रुप डी जो आगामी परीक्षाएं ग्रुप डी की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, जिसमें 170 टोटल टेस्ट हैं। साथ के साथ इसमें 11 फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों टेस्ट बुक की ये रिपब्लिक सेल है, आपको 299 मात्र में आपको ये मिल जाएंगे। आपका जो प्रोमो कोड होगा दोस्तों नौकरी10 होगा, जिसमें आपको 30 रुपये की छूट भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की थीम पूछी गई थी IBPS में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया था, सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर के दिन मनाता है पर्वत दिवस। और दोस्तों इस बार इसकी जो थीम रही थी, यानी कि वर्ष 2020 की जो थीम थी इसकी, वो थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। अगर दोस्तों मैं हिंदी में बात करूं तो इसकी जो थीम थी पर्वतीय जैव विविधता, याद रखेगा। तो दोस्तों कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को, थीम याद रखेगा, पूछा जा सकता है आपके आगे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये बुक पूछी गई थी। और हाल ही में दोस्तों इनका जो नाम है, जिन्होंने पुस्तक संकलित की है, उन्होंने 2020 में पब्लिश की थी, इसलिए एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, याद रखिएगा, किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। बेसिकली ये जो लिखते हैं रस्किन बॉन्ड, ये बच्चों पर लिखते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये इंडियन राइटर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नाम थोड़ा फॉरेन है, यानी कि इंग्लैंड के बेसिस पर है, लेकिन ये हैं भारतीय मूल के। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो दोस्तों वो है रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा, 2020 में इन्होंने निकाली थी। और दोस्तों ये जो पुस्तक लिखते हैं, बेसिकली बच्चों के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए कहानियाँ से रोचक मंद कहानी लिखते हैं अपनी बुकों में। बेसिकली इनका जो फोकस रहता है वो चिल्ड्रन फोकस रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अधिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों कई बार मैं अपनी जितनी भी 2020 की परीक्षाओं या 2021 की परीक्षा में पूछी गई GK या करंट अफेयर है, उसमें आपको ये बता चुका हूँ, और आपका कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हुआ है। तो दोस्तों इसके जो बनाए गए हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी, वो बनाए गए आयुष्मान खुराना, आप फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों यूनिसेफ ने चुनाए ने आयुष्मान खुराना को, ये जो करेंगे ये दोस्तों फॉर एवरी चाइल्ड कंपेगन का भाग लेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यूनिसेफ की बात करूँ, इसकी करंटली हेड कौन है, हैंड्रीटा H4, याद रखेगा। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में, और इसका जो गठन है 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। और करंटली आयुष्मान खुराना को अधिकार समर्थक अधिवक्ता अभिवक्ता के रूप में ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी नियुक्त किया है यूनिसेफ ने, बच्चों के अधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में प्रस्तावित है। तो दोस्तों 2021 की बात करूं, यानी कि इस साल, तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। आसियान शिखर सम्मेलन की बात करूं तो 2021 होगा दोस्तों ब्रुनेई में, याद रखिएगा, एक कंट्री है ब्रुनेई, और यहीं पर आसियान समिट 2021 होगा। अगर 2020 की बात करूं
तो दोस्तों 2020 में आशियान शिखर सम्मेलन हुआ था वियतनाम में। वियतनाम की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? हनोई में, ठीक है, क्योंकि जो समिट होती है बेसिकली कैपिटल सिटी में होती है। वियतनाम की कैपिटल हनोई थी और वहीं पर ये समिट 2020 की हुई थी। अगर बात करूँ मैं समिट 2021 की, तो ब्रुनोई की जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगमान, यहाँ पर ये समिट होगी 2021 की, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों ब्रुनोई के? वह है हसनल बोलकिया, याद रखिएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आशियन शिखर सम्मेलन होगा ब्रुनेई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोब सेंटर बनाने के लिए किस देश का चयन किया? तो दोस्तों ये किया भारत को, याद रखिएगा। तो WHO ने कहा कि भारत में बनेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर, और जहाँ तक है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अथानम, उन्होंने ये घोषणा करी कि इंडिया टेली मेडिसिन का हब बनेगा दोस्तों, तो मोदी जी ने आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन की घोषणा कर दी जयपुर और जामनगर में। मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में। तो जयपुर और जामनगर में दो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन खोले हैं दोस्तों ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये दिया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु को दोस्तों स्टेट कैटेगरी में यानी कि जल पुरस्कार में वाटर अवार्ड में पहले नंबर पायदान पर पोजीशन मिली तमिलनाडु को, याद रखिएगा। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पाडी के पल्लन स्वामी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। जल अवार्ड है तो दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर देख लेते हैं करंटली कौन है। तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में कौन सा देश भेजने जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुडन सैटेलाइट है दोस्तों, ये वुडन सैटेलाइट है। और स्पेस में कौन भेजेगा दोस्तों? ये भेजेगा जापान, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक भेजेगा ये? वर्ष 2023 तक अंतरिक्ष में भेज देगा ये। दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब भी एग्ज़ाम में पहली बार आए यानी कि दुनिया की पहली या कोई भी फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ हो रही हो, वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और दोस्तों IBPS PO मेन जो कि फरवरी 2021 में आयोजित हुआ था उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? ये भी चेंज हुए थे, इनका नाम नए हैं नुयोशिहिदे सुगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे जापान की संसद का नाम बता सकता है? कई बार मैंने आपको बताया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आई मोबाइल पे हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आई मोबाइल से आप ट्रिक भी कर सकते हैं, क्योंकि ICICI बैंक जब भी लॉन्च करता है तो उससे पहले आई लिखता है, तो आई मोबाइल पे हो गया ICICI, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ICICI ने निकाला आई मोबाइल पे, आप फोटो देख सकते हैं। अगर दोस्तों आई मोबाइल पे जो कि ICICI ने निकाला है, अगर मैं ICICI बैंक की चेयरमैन की बात करूं तो दोस्तों वो है गिरीश चंद चतुर्वेदी, और करंटली ICICI के CEO कौन है? वो है संदीप बख्शी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों ये थीम से संबंधित मैं आपको वीडियो डाल चुका हूँ, उससे ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों 16वां प्रवासी दिवस, सबसे पहले मैं बता दूँ कब मनाया जाता है, ये भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उन्हीं की याद में हम ये हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, और इस बार जो मनाया गया वो 16वां था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस बार इसकी थीम रही थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, याद रखिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था PO मेंस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और ये भी PO मेंस के एग्जाम में ही पूछा गया। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, अगर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये कंसेप्ट बताया था आपको, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन IBPS PO मेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा, याद रखेगा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनना है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर बांध बनना है, और जिस पर ये पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ता है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ सौर ऊर्जा पार्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय
मौद्रिक कोष या मुद्रा कोष के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टोटल मेंबर कितने हैं, ये NTPC में पूछा गया था अक्टूबर 2020 तक बताना है। तो दोस्तों अक्टूबर 2020 या करंटली मैं बताऊं तो इसमें जो टोटल कंट्री हैं वो हैं 190, याद रखिएगा। IMF की जो दोस्तों इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। करंटली इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्थित है। अगर दोस्तों MD की बात करूँ, क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी MD है, याद रखिएगा, यानी कि चेयरमैन है, हेड है। और इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 190 मेंबर कंट्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिविंग प्लेनेट 2020 रिपोर्ट या लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों में ग्रेविट किस क्षेत्र में हुई। तो दोस्तों जीव जंतुओं की बात कर रहा है, तो जीव जंतुओं में जो सबसे ज़्यादा ग्रेविट आई वो लैटिन अमेरिकन देशों में आई, याद रखिएगा। तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस हुई कहाँ, लैटिन अमेरिकी कंट्री में, याद रखिएगा। कम से कम यहाँ 94% तक ये एक तरह की प्रजातियों की गिरावट हुई, और सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु हैं वो प्रजाति इसी में गिरावट आई। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिकी देशों में हुआ, ये NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा ही निकाला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर ये भी चीज़ बताई कि मोस्ट थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कौन सी है, सबसे लुप्त प्राय एक तरह की, यानी कि सबसे डेंजर यानी कि खतरे में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कौन सी है। तो दोस्तों अभी वो चल रही है फ्रेश वाटर जैव विविधता, यानी कि फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यह शॉर्टकट में कहते हैं 14C का उद्घाटन किया, यह सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो सेंटर स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, और अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं उन्होंने इसकी स्थापना करी या उद्घाटन किया। इसकी लागत आई है दोस्तों इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो लागत आई है बनने में 415.86 करोड़ इसमें लगे हैं। बेसिकली उद्देश्य है साइबर क्राइम के विरुद्ध नोडल केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों पर COVID-19 उपकर लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो दोस्तों ये था नागालैंड, याद रखिएगा। नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल के रूप में COVID-19 टैक्स वसूल किया था, और ये एग्जाम में ही पूछा गया। तो दोस्तों ये था नागालैंड। तो दोस्तों कब लगाया था, ये 28 अप्रैल 2020 को लगाया गया था। पेट्रोल पर इसने नागालैंड ने 6 रुपये प्रति लीटर के रूप में चार्ज लिया, और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर के रूप में इसमें चार्ज लिया। नागालैंड की बात करूं, नेफ्यू रियू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। NTPC में दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गवर्नर बहुत पूछे आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के करंटली जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है जगदीप धनखड़। और करंटली वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही पहली जल मेट्रो भी चलेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको करा चुका हूँ Part 33 में 2022 तक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों NTPC एग्जाम में पूछा गया था, क्यों पूछा गया था, क्योंकि ये चेंज हो गए, पहले कोई और थे शिंजो एबे थे, अब चेंज हो गए, अब ये बन गए योशिहिदे सुगा, याद रखिएगा। तो जापान मुद्रा क्या है, सबसे पहले मैं बता दूँ ये ने, और यहाँ के जो सम्राट है वो कौन है, वो नारुहितो हैं। यहाँ के जो नए PM है वो योशिहिदे सुगा बने हैं, और यहाँ की संसद का नाम था नेशनल डाइट, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था क्या नाम है जापान की संसद का, चलिए मैंने ही बता दिया, इसकी जापान की संसद का नाम है डाइट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संगठन ने ऑपरेशन ऑलिव लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन ऑलिव लॉन्च किया है ये ICG के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ICG क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली इसका जो लक्ष्य है यानी कि जो इसका एम है, ओडिशा में लुप्त प्राय ओलिव रिटले कछुओं की सुरक्षा के लिए मिशन ऑपरेशन ऑलिव लॉन्च किया है। बेसिकली ऑपरेशन जो ऑलिव होता है वो दोस्तों कछुआ होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप फोटो देख सकते हैं। तो उसके लिए लॉन्च किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों न्यू दिल्ली में स्थित है। करंटली इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, कृष्ण स्वामी नटराजन इसके करंटली डायरेक्टर जनरल है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं अगली बार जल्दी हाजिर हूँगा अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।